शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समालिके। छड़ाला की छोटी ढाल पर चर्चा चल रही है। एक देश चरित्र उसका वर्णन चल रहा है। श्रावक के एक देश चरित्र अर्थात 12 व्रतों की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने 5 अनुव्रत 3 गुणव्रतों की चर्चा की। अब आज हम 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से 4 शिक्षा व्रत? सामायिक, प्रोषोदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि सविभाग व्रत। इन 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा आज हम करेंगे। इनके नाम शिक्षा व्रत क्यों हैं? क्योंकि ये हमें मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, इसलिए इनका नाम शिक्षा व्रत है। तो ये 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ये 7 व्रत मिलकर शील व्रत कहलाते हैं। इन 7 का नाम है शील व्रत। शील कहते हैं रक्षा करने को, तो अनुव्रतों की रक्षा करते हैं, इसलिए ये शील व्रत कहलाते हैं। माने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, इन अनुव्रतों की रक्षा करने वाले होने से ये 7 व्रत शील व्रत कहे जाते हैं। इन 7 शील व्रतों में से 3 गुण व्रत है, जो अनुव्रतों में गुणों की वृद्धि करते हैं, और 4 शिक्षा व्रत है, जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। 3 गुण व्रतों की चर्चा हमने की थी, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। क्या है दिग्व्रत? दशो दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए जो आने जाने की मर्यादा की जाती है, उसका नाम दिग्व्रत है, और उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। और देशव्रत, दिग्व्रत में जो की गई मर्यादा है, उसको काल के हिसाब से, मतलब दिन, घड़ी, में घंटा, महीने के हिसाब से और घटाते जाना, उसका नाम देशव्रत है। और जो जितनी मर्यादा की है हमने, उस मर्यादा के अंदर भी व्यर्थ के पाप नहीं करना, निरर्थक पापों से बचना, इसका नाम क्या है? अनर्थ दंड व्रत। अवधेर पापे अवधि के अंदर क्या निरर्थक जो पाप हैं, उन सब कार्यों से बचना अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ माने जिनसे कोई प्रयोजन की सिद्धि ना हो, अर्थ अर्थात प्रयोजन, और अनर्थ मतलब निष्प्रयोजन, और अनर्थ माने बुरा और करे, दंड और मिले, पाप बंद और हो, नरक निगम की प्राप्ति हो। ऐसे कार्य जिनसे प्रयोजन तो कुछ सिद्ध ना हो और व्यर्थ में पाप बंद हो, ऐसे कार्यों का त्याग करना वो अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता है। इसके 5 व्रत हैं। कौन कौन से? इसके 5 व्रत कौन कौन से? सब गायब है क्या? 5 व्रत कौन से अनर्थ दंड त्याग व्रत के? अनर्थ दंड के 5 व्रत कौन कौन से? काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, हिंसादान, दुश्रुति, तो 5 अनर्थ दंड के भेद हैं। सबसे पहला क्या होता है? अपध्यान, खोटा ध्यान करना, खोटा ध्यान, इसका बुरा हो जाए, इसका बिगाड़ हो जाए, कोई हार जाए, किसी के पुत्र का मरण हो जाए, किसी की पत्नी मर जाए, किसी घर में आग लग जाए, किसी का अपमान हो जाए, किसी की धन की चोरी हो जाए, सर आपको ध्यान है, इसका बुरा हो जाए, बहुत बुरा होना चाहिए, बहुत बुरा किया, इसका बहुत बुरा होना चाहिए।
इसका अपमान होना चाहिए, ये बाहर निकल जाना चाहिए, इस पद से दूर हो जाना चाहिए, इसके धन की हानि होनी चाहिए, इसके मान की हानि होनी चाहिए, समाज से बाहर हो जाना चाहिए, पुत्र पुत्रियों का भी वो होना चाहिए। ये सब अपने ध्यान इससे भी मिलता है ना, सबका भला होने की भावना करना, करने की भावना तो है। गलत गलत बोलने की बात नहीं, किसी के बुरा करने का चिंतन करना, किसी के बुरा करने का आपको ध्यान, आपको ध्यान, आप माने खोटा ध्यान, खोटा ध्यान करना, बुरा हो बुरा बोलने की क्या बात है। या उसकी बात नहीं, यहाँ तो ये बात है कि कोई भी लौकिक के अंदर किसी का व्यर्थ में निष्प्रयोजन बुरा बुरा सोचना, अपने को किसी भी व्यक्ति का बुरा सोचने की जो भावना है, इसका ये बुरा हो, उसकी धन की हानि हो, कोई हार जाए, किसी का अपमान हो जाए, ये चिंतन की बात है, बोलने की बात का ही इसमें, ये तो आप ध्यान है, आप माने खोटा, खोटा ध्यान करना, बोलने की बात का इसमें खोटा बोलना क्या, मन में विचार इस तरह के कि किसी के मतलब किसी को दुखी देखने की चिंता, किसी को दुखी देखने का मन में जो विचार है, चिंतन है, वो अप ध्यान है, अप माने खोटा ध्यान है, अच्छा ध्यान नहीं है। किसी का भी हो, जबकि बहुत होते रहते हैं, कोई जरा सा विवाद होता है, लोगों को भावना होती है इसका बुरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसका वैसा होना चाहिए, तो उससे व्यर्थ पाप बंद होता है, अपने को क्या मिलता है उससे, किसी का अपमान हो जाएगा तो अपना सम्मान हो जाएगा, कोई नीचा हो जाएगा तो अपने ऊँचे हो जाएंगे। लोगों की ऐसी थिंकिंग है, सोच, दूसरे को नीचा करने से हम ऊँचे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं, अपने को ऊँचा करने से हम अपने आप ऊँचे हो जाते हैं। इसलिए व्यर्थ में बुरा करने की सोचना किसी का, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत सोचो, सोचने बेकार। कसाई भी हो, उसका भी बुरा करने की भी भावना है, इसका बुरा हो तो अप ध्यान है, छोटा ध्यान है। क्या ओसामा बिन लादेन मर जाए, और क्या नाम है उनका, क्या है कौन कौन से जो भी है, निमरण हो जाए, ये अपने को क्या मिलना। लोग फांसी देखते हैं, फांसी, फांसी की सजा देते किसको, इराक का राष्ट्रपति तो सद्दाम हुसैन, तो फांसी देख रहे लोग, बोला आप 4 बजे उसको चढ़ाएंगे, 4 बजे चढ़ाएंगे तो लोग 4 बजे ठीक है सब बैठ गए। मतलब इस पाप की अनुमोदना का फल बहुत बुरा है, छोटा चिंतन है, तुम्हारे को क्या मिलेगा सद्दाम हुसैन के मरने से, निमरने से, किसी की फांसी देखना, किसी को मरता हुआ देखना, व्यर्थ में किसी का बुरा सोचना, कोई को भी दुखी देखने की भावना होना, इससे खोटा ध्यान और कुछ नहीं, अप ध्यान अनर्थ दंड है, इससे कोई सिद्धि नहीं होती। और क्या है, और ये क्रिकेट के खेल कूद देखना, किसी की हार चिंतन करना, जीत चिंतन करना, कोई हार जाए, ये पार्टी हार जाए, ये नेता हार जाए, ये हार जाए, अपना कोई प्रयोजन नहीं, अपना अपनी दाग को चलने जीवन में, कौन हारे ना कौन जीते, उसके हारने से अपने को कुछ मिलना नहीं है, और किसी के जीतने से भी अपना कोई कोई सुधार नहीं हो जाएगा, वो अपना उद्धार नहीं होने वाला उससे, किसी के जीतने से। तो इसलिए ये संकल्प विकल्प व्यर्थ है, संसार को बढ़ाने वाला, निश्चिंताई में जिए जी, कोई जीते तो जीतो, हारे तो हारो, कोई के धन बढ़ता हो तो बढ़ो, हानि हो तो हो, कोई जीता हो तो जियो, मरो तो मरो, हमें सबसे कोई प्रयोजन नहीं। देन सो ये है अप ज्ञान, दूसरा है देन सो उपदेश हो अब मनिज प्रसिते, ऐसा उपदेश नहीं देता जिससे कि कोई व्यापार वनिज, वनिज मैंने व्यापार कृषि, वनिज का करने का, व्यापार करने का,
खेती आदि करने का उपदेश नहीं देते। तुम खेती बाड़ी करो, अगर पानी को गिरा है अच्छे से सोयाबीन वो अच्छे आ जाएंगे सोयाबीन, तो इससे अपने को क्या मिल रहा है? व्यर्थ में अपन ने उसको खेती का उपदेश दिया और खेती का उपदेश देकर हमने व्यर्थ में उसको हिंसा के लिए प्रेरित किया। खेती में तो हिंसा ही होगी ना, तो उसको व्यर्थ में हिंसा के लिए प्रेरित किया, हमें तो कोई लाभ मिला नहीं। व्यर्थ में हमने जीवों की हिंसा को करवाई तो पाप बंद हुआ ना, इसलिए ऐसे काम का उपदेश किसी को, तू ये कर, तू ये धंधा खोल ले, तू ये खेती कर ले, तू इसका ये काम कर ले, एक काम करो तुम जो है इसका काम चालू कर दो, इसका काम चालू कर दो, ऐसा कुछ नहीं कर, किसी को धंधे पाने की सलाह नहीं दे, नहीं तो वो व्रति नहीं है, क्योंकि वो तो धंधे पानी की सलाह बने वो पाप का उपदेश है। धंधा पानी क्या, धंधे व्यापार व्यवसाय क्या, आरंभ भी हिंसा है, पाप है ना, तो पाप का उपदेश नहीं दे रहे किसी को भी, तुम ये पाप करो। और कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक में विघाते, प्रमाद से जल कायिक जीवों की, वनस्पति कायिक की, वृक्ष वनस्पति पृथ्वी कायिक की, अग्नि कायिक की, वायु कायिक की, इनकी हिंसा नहीं करें, प्रमाद पूर्वक आचरण नहीं करें। तो पांच प्रकार के स्थावर जीवों का प्रमाद से घात न करें, अयत्नाचार भी प्रवृत्ति न करें, यत्नाचार भी प्रवृत्ति करें, हर काल में यत्नाचार देखभाल के काल करें। भोजन बनाते हैं अपन, देख के बनाना, चावल देख के बनाना, गेहूँ देख के बनाना, हर चीज़ देख के बनाना, चावल में कीड़े आते क्यों आते, धंदूरी है, देखे कि नहीं चावल में, तो अपने घर में थोड़े से चावल अपन बनाते, देख के बनाते हैं, तो बाहर जाते हैं तब बिना देखे खा जाते हैं। हजार जनों की रसोई बनेगी तो उसमें क्या हलवाई चावल देखेगा तुम्हारे, वो तो सीधे चावल लेगा और डालेगा पानी और सीधे बनाएगा, वो कोई उसकी यत्नाचार थोड़ी करेगा कि उसको एक एक चावल को बीने, पहले दाल को बीने, क्या सबको बीने, कोई बीनने बीनने वाला नहीं, तो फटाफट फटाफट चावल डाले, दाल डाली, तैयार माल छटका लगा था घर में, तो एक एक चीज कितनी वो बालते, ये हो गया, ये हो गया, हो गया, घर में तो जरा सी हाथ छूटा किसी से, टच हो जाए किसी की थाली से, चिल्ला दे दो, उठ जाएगा किसी को, थाली हम नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पहले थाली भी टच हो जाए झूठी तो तूफान मच जाता है। और वहाँ पे थाली तो दूर की बात है, ये तो जीव इंसान भी हो तो उसकी कोई चिंता नहीं होने दो, इसका मतलब एक क्रिया तो अति ऊंची और एक क्रिया एकदम नीची। मतलब कि मैं ऊपर तो कोट पहन के आऊँ, जब भी ऊपर ऊपर का दिखता है, नीचे चड्डी पहन के आ जाऊँ, नीचे कौन देख रहा, बैठे तो ऊपर है। तो लोग क्या कहेंगे, अध कचरा काम। जिस प्रकार लोक में वो निंदनीय होता है, उसी प्रकार यहाँ भी एक क्रिया अति ऊंची पाले और एक क्रिया अति हीन पालने से लोक में निंदनीय होता है। इसलिए व्रति लोक निंद कोई भी कार्य नहीं करता, सबसे पहली शर्त है उसकी। उसका व्यापार व्यवसाय ऐसा नहीं होता जिससे लोग उंगली उठा लेते, जिसमें घोर हिंसा होती हो, ऐसे काम नहीं कर सकते। कितने ऐसे काम है जो अपने जैनियों के लिए वर्जनीय है, लेकिन तो वो काम व्रति की अवस्था में तो हो ही नहीं सकते ना, संभव ही नहीं। जैसे पान की दुकानें हैं, पान की दुकान, हलवे का काम, सट्टे जुए सट्टे की दुकानें खोलना,
सबको जुआ सट्टा खेलने के लिए प्रेरित करना, ये काम जैनी के ही होगी नहीं। जिस कामों से घोर तृष्णा बढ़ती है परिणाम, तो ये जो है ये कार्य उसके लिए, उस रति के लिए योग्य नहीं है। तो वो लोक निंद कार्यों का क्या करे, लोक में जिससे निंदा हो, लोग कह रहे इनकी सब बातें बहन कितने धर्मात्मा हम सब जानते हैं, क्या यहाँ तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं लेकिन बाहर अभी घर जाते ही ये वहाँ काम करने वाले हैं, इसे काम करने वाले। तो इससे लोक में धर्म की निंदा होती है, वो व्यक्ति तो जो भी है सो है, लेकिन उससे जगत में उसकी धर्म की क्या होती है, मासी होती है। इसलिए इसे लोक निंद कार्यों का त्यागी होना आवश्यक। और भी बहुत सारे अनर्थ धर्म के काम है, ताश खेलना, क्या मिल रहा है उससे, एक बड़ा एक छोटा, और क्या हो जाए, अनर्थ दंड है, निष्प्रयोजन का पाप है, बिना प्रयोजन ताश है। और भी कोई ताश के अलावा और क्या खेलते, तंबोला है, और क्या खेलते भैया है, शतरंज है, ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सबसे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। क्या सांप सीढ़ी, मतलब तो बच्चे लोग खेलते तो हम सांप सीढ़ी खेलते होते और भी जो भी इस तरह के हैं जिनसे कोई सिद्धि नहीं हो, कार्य की सिद्धि कुछ ना हो और व्यर्थ में पाप बंद हो, इसे समस्या है। हाँ वही तो एक ही जगह, अरे वो तो है ही सही, शतरंज है न, वीडियो गेम है, और उसके अलावा कई लोग अखबार के अंदर कुछ आता है तो पहेलियाँ लगाते रहते हैं, उसके अंदर दिमाग लगाते, मैंने व्यर्थ में अपनी बुद्धि का दुरुपयोग है। जो बुद्धि तत्व विचार में लगनी चाहिए थी वो बुद्धि व्यर्थ के कार्यों में लगी, और उससे क्या सिद्धि हो जाएगी, उससे कि करोड़पति बन जाएंगे, यदि समझ लो कि पहली चल भी गई तो उससे क्या हो जाएगा, 100-200 रुपये का कितने का इनाम आता होगा पता नहीं, आता भी एक नहीं होगी तो मालूम करेंगे क्या करते रहते हैं, कुछ वो गेम रहते हैं और डब्बे आ जाते हैं, डब्बों को जमाते रहते हैं, कोई गोटियाँ जमाते रहते हैं, फिर क्या करते रहते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि इनको टाइम पास, इनके लिए टाइम किल कर, मतलब इनको इनको इतना बोझिल क्यों लग रहा है जीवन की, इनको समय काटना पड़ रहा है। जीवन में बहुत अच्छे अच्छे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हैं, एक से एक अनेक दुखिया ने लोगों को सेवा कर दो, ज़्यादा है तुमको समय ज़्यादा लग रहा है, तो समय की बहुत आवश्यकता है जिंदगी में लोगों के, तो ऐसे व्यर्थ के कार्यों में समय क्यों बिगाड़े, परोपकार के कार्य करें और अपने आत्मकल्याण का काम करें, लेकिन इन कार्यों से जिनसे कोई सिद्धि नहीं है वो कार्य क्यों करें, क्या ऐसे समस्त कार्य बहुत संभव टाइम करते लोग, चार जने मिल गए ताश चल, और फिर लत लगती धीरे 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 बढ़ती बढ़ती, फिर वो नोट पानी से भी खेलते हैं, और फिर नोट पानी से खेलने में इतने मगन कि कहीं कोई किसी का डर भी नहीं, पुलिस आ जाए पकड़ के ले जाए, कुछ नहीं, आदत हो जाती ना, आदत लत पड़ने की बात है। तो ये सब अनर्थ दंड के अंदर है, और भी अपन विचार कर लेना सब, रत्नगण शावकाचार्य में खूब दिया है, रत्नगण शावकाचार्य है क्या यहाँ पर रखा हुआ, एक मिनट देना एक सेकंड, और भी उसमें सप्त व्यसन कोई पूरे को अनर्थ दंड में लिया है, 7 के 7 व्यसन वो अनर्थ दंड है, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, परिस्थिति सेवन, वेश्यागमन, शिकार खेलना, सब अनर्थ दंड है। कई लोग फोनों पे गेम खेलते रहते हैं, फोन पे बैठे बैठे इतनी बीमारी आ गई, तो कंप्यूटर पे गेम खेलता रहेगा, तो वीडियो गेम खेलता रहेगा, ये सब निरर्थक पाप बंध के कारण होते हैं। जो मनुष्य भाव की एक एक घड़ी चक्रवर्ती की संपदा से भी अनमोल थी वो हम कायम खो रहे हैं इसमें, ठीक है।
और क्या देखो, असी धन हल हिंसो उपकरण नहीं दे जस लाधे। असी माने तलवार, धनुष, हल, जो भी हिंसा के उपकरण है इनको वो नहीं देता, इनको देकर यश की प्राप्ति नहीं करते। क्या असी असी धन हल हिंसो उपकरण, तलवार आदि, कोई भी कुछ मांगने आए, कुछ भी मांगने आए, तलवार, छुरी, भाला, चाकू, इनको वो नहीं देता। देखो इसमें एक एक का अलग अलग वर्णन किया है इसमें। खोटे उपदेश देने का त्याग, खोटे उपदेश में क्या देखो, किसी को घर बनाने का, घर बनाने का उपदेश, तुम घर बनाओ, कहीं इस पुराने घर में रह रहे थे, पेज नंबर 132, कहाँ इतने इतने पुराने सुराने, इतनी जगह जगह, यहाँ इतनी शहर के अंदर रहते थे, इतना कंजेस्टेड, ऐसी जगह पे ऐसी जिंदगी पूरी हो जाएगी तुम्हारी, तो अपना स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो कह रहे ऐसा घर बनवाने में महा हिंसा हो है, और घर बनवाने का जगह धवल करवाने का किसी के तुम्हारे मकान कितना पुराना होगा, इस मकान को नया करवाओ, अच्छा इतने साल हो गए इसको पता ही हुए को, ये सब टूट फूट हो रही है, इसको टूट फूट को सही कराओ, जाएगा कि मरम्मत करवाने का, जगह की मरम्मत करवाने का, मरम्मत करवाओ इसको, बाग बगीचा बनवाने का, घर में बाग बगीचा लगाने, ये जो अपने घरों में बाग बगीचा लगाते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि इनको इतना जीवन में समय कहाँ से मिल जाता, मतलब बाग बगीचा अपने अपने घरों के आजकल बच्चे ही नहीं पलते, तो बगीचे कैसे पल जाते, क्योंकि बगीचों के बाद में और भी चीज़ें, उसके बगीचों को पालना माने अपने घर के बालक जैसे पालना रहता है, उसकी खाद निकालना, उसमें पानी डालना, उसको बराबर समय पे पानी देना, उसके लिए जगह रखना, और उसके निमित्त से कितनी झील हिंसा होती है, घरों के बाहर लगे रहते सब, बात इतनी ऊँची होती है और काम इतने निकृष्ट होते हैं, कभी कभी लगता है कि कुछ मतलब ही नहीं इनकी सब बातें बेकार, भाई बगीचा बनवाने की कोई बात भी करता है क्या आपको, कि आपको बगीचा बनवाना ही पड़ेगा साहब, बगीचे के बनवाने आप घर नहीं रहेगा, हम अपने शौक से बनाते हैं, अपने शौक से उसको पोसते हैं, और अच्छे से लोगों को दिखाने के लिए उसमें अनेक जीवों की हिंसा हो उसकी भी चिंता नहीं करते, क्योंकि नौकर कर रहा है, नौकर कर रहा है कर तो तुम्हारे आदेश से रहा है ना, उसकी हिंसा का दोष किसको लगेगा, एक इंच जमीन खोदने की हिंसा बहुत बड़ी कही है, तो ये बगीचा वगैरह लगवाना अपने घरों में ये माँ बाप का काम है क्या, यदि खूब घास फूस देखनी है तो कहीं जाके देख लिया, कितने लोगों ने अपने लिए बना ही रहे बगीचे, क्या देखा बगीचा किसी क्या है, देख लिया दो मिनट, कुत्ते बिल्ली का शौक है तो सड़क की कुत्ते बिल्ली देख लिया, उसके लिए घर में पालना जरूरी थोड़ी नहीं, घर में पाल कुत्ते भी, कुत्ते बहुत अच्छे होते हैं घर में ही, और फिर उसकी साफ सफाई करता है उस कुत्ते की, क्या उस कुत्ते का मलमूत्र साफ करने में बहुत, अपनी लोगों आपस में चर्चा करते कुत्तों की, मेरा कुत्ता ये कर रहा है, मतलब इनकी बुद्धि देखो, एक एक भाई जो है कुत्ता लेके आई, मैं मेरा गला थोड़ा खराब हुआ था तो वो यशला डॉक्टर साहब है ना उनके पास गया था, तो एक लेडीज एक वो महिला जो है वो कुत्ते को लेके आई अपनी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ गला लोगों का गला खराब हो गया तो कुत्ते को क्यों लेके आई भाई, यहाँ लोग नहीं सुधर रहे अभी एक कुत्ते का क्या करोगे तुम यहाँ, तो ये इस तरह के हैं ना, अन्य मतावलंबी भी खासकर बहुत प्रचलित है, और जिनकी संगति ऐसी रहती है ना अजैन लोगों की तो वो भी पालने लग जाते हैं, एक क्या है इसको पालने बोलते माँ बाप बनने का कारण, बाग बगीचा बनवाने का, रोडी खुदवाने का, गली खुदवाने का, कुआ बावड़ी बनवाने का, तालाब खुदवाने का, जल निकालने का, तालाब की बाल बनवाने का, ये सब है
मकान ढहाने का, बाग बगीचा ढहाने का, वृक्ष कटाने का, कोयला बनाने का, वन कटी कराने का, घास कुदाने का, मिथ्या देवों का मकान बनाने का, मिथ्या देवता का मंदिर तथा मूर्ति का बिगाड़ करने का, खेती करने का सुंदर मकान को मलिन करने का कदाचित उद्देश्य मत करो। और क्या देखो, त्रियंश के दुख होने का, मारने का, दृढ़ बांधने का, पेज नंबर 133 मिला, बांधी करने का, बांधने का मतलब डा देने का, नासिका फोड़ने का उपदेश मत करो, नासिका फोड़ने से नास को छेद करो, मनुष्य त्रियंशों के भोजन पान रोकने का, जो खाना पीना बंद कर दो अपना छंद है, लोग कहते हैं बंदी गृह में धरने का, संतान से वियोग करने का, पक्षी को पिंजरा में धरने का, पक्षी को पिंजरे में रखने का, पिंजरा रखते हैं लोग, पक्षी रखते हैं उसके अंदर, तोते को ना उसको क्या क्या किस किस को, सर्प बिच्छू सिंह व्याघ मूसा न्योला कुकड़ा इत्यादि हिंसक जीवनी के मारने का, इन हिंसक जीवों को मारने, कई लोग इनको काल मान के मारते हैं, महापापी लोग, छिपकली दिख जाए तो उसको पकड़ के मारते हैं, ऐसे लोग हैं, ये सब महापाप रूप हैं, उनका मना किया है। थोड़ा टेढ़ा है इस पे, रखने का है कुछ, हाँ नहीं, और देखो है जुआ लिखा मारने का, जैसे कई लोगों के घरों में हो जाता है ना, चूहे हुए हो जाए समझ लो किसी के घर में, तो चूहे होने के बाद में पिंजरा लिया सबको पकड़ के, और एक काम कर पकड़ लो सबको, और पकड़ के बांध के छोड़ाओ, छोड़ नहीं आओ लोग तो उसके ऊपर, कई लोग पिंजरे में रख के उसके ऊपर गरम गरम, ऐसे क्रूर पापी लोग, तो ये उसको बांधने का भी, पिंजरे को चूहे को पिंजरे में रखने का भी उद्देश्य देना किसी को, वो व्यर्थ पाप बंध का कारण है, खुद करे तो इतना पाप बंध नहीं, और दूसरे को करे उद्देश्य तो महापाप बंध, खुद करेगा तो कम, मतलब पाप खुद के लिए किया ना उसने, लेकिन यह तो निर्थ है, तो मैं दूसरों के लिए उपदेश देने की क्या जरूरत, व्यर्थ में पाप के एडवाइजर बनने की नहीं कहा। और आगे क्या है देखो, जुआ लीक मारने का, खटमन मारने का, कई लोग ऑल आउट लगा लो, मच्छर मरेंगे सब, अच्छा देखते रह जाओगे, ऐसे कोई दवाई आती खटमन मार, हाँ जो भी है वो मतलब बताओ तो क्या है, जो जो भी चीज़ें हैं वो सब खाट तावड़े देने का, धूप में तावड़ा दे खाट को, छिड़काव कराने का, जीवनी के पकड़ने के मारने के यंत्र जाल बनाने का उपदेश मत करो, किसी को ऐसा उपदेश मत करो, जीव रक्षा का उपदेश जो देने ही है तो किसी भी कार्य में जिसमें जीव हिंसा होता हो उसका उपदेश मत करो, एक कीटाणु मार दो, ये मार दो, इसको मार दो, तुम्हें घर में ये खूब हो रहे हैं तो ये दवा ले जाओ, मच्छर हो रहे तो मच्छर की ले जाओ, खटमल हो रहे तो खटमल की, चींटी की कसारी की, इसकी उसकी, ऐसे महापाप बंध के कारण है, एक जीव को मारा मतलब, तो एक जीव को मारने से बड़ा कोई पाप नहीं है, हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं, क्या है देखो, एक जीव को आपने अभयदान दिया तो मानो अपन ने उसको करोड़ों सोने की दिनारें दे दी, क्योंकि करोड़ों सोने की दिनारें लेकर भी अपने प्राण नहीं देना चाहता था, इसका मतलब ये है कि करोड़ों सोने की दिनारों से भी प्राण ज़्यादा कीमती है, इसलिए हमने किसी जीव के प्राण नहीं हरे, माने हमने उसको करोड़ों अरबों सोने की दिनारें दान में दे दी, एक तरफ लाखों का दान करे और दूसरी तरफ जी हिंसा करे तो वो लाखों का दान बिल्कुल बेकार है, धर्म तो उसका मना करता है, धर्म तो पहले ये कहता है कि तुम जीव हिंसा बंद करो, अभय दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि वो करोड़ों सोने के दिनारों से भी बड़ा दान है, एक जीव को हमने अभय दान दिया माने तीन लोक की संपत्ति हमने उसको दान में दे दी, क्योंकि तीन लोक की संपत्ति के बदले में भी वो अपने प्राण देना नहीं चाहता, कई लोग यही शौक है दान देने का शौक, क्या एक आदमी ने घोषणा की थी, वैसे तो मेरे पास खूब पैसा है, लेकिन फिर भी मेरा
जो भी कमाई है उसका मैं 80-90% दान में लगाऊंगा, कमाना बंद नहीं करूंगा। मैंने कहा कि कमाना बंद, यदि तेरे को सचमुच में यदि धर्म की रुचि हुई है तो तू सबसे पहला काम यही करना, तू अपने आप को धर्म में लगा, तू पाप करे और फिर उसको धन धर्म में लगाए। ये तो कहीं जिनवाणी में लिखा नहीं, जिनवाणी तो ये कहती है कि अपने को यदि अपनी आजीविका प्रमाण अपने को भोजन पानी है तो तत्वाभ्यास करना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उद्यम करना। वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि खूब कमाओ खूब दान दो, क्योंकि दान को धर्म का लिखा है। दान तो पुण्य, और वो भी पुण्य कब, जो जब हम अपना जो कुछ हो हम अपने आजीविका के लिए जो कमाते हैं अपने जीवन के लिए जो अति आवश्यक है उसमें से थोड़ा निकाल दे तो। नहीं तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है यदि तेरे अपनी आजीविका प्रमाण तेरे है व्यवस्था तो तुझे अधिक धन की आवश्यकता नहीं। समय सबसे बड़ा दान है, ज्ञान का अपने आप को दान करें, अभय का दान करें, ये दान करें, ज्ञान दान अभय दान धुनिराज देते ही दान। जो तू खुद ही धर्म में नहीं लग रहा है तो अन्य को करके क्या करेगा, अन्य को धर्म में कैसे लगा सकेगा जो स्वयं नहीं लग पा रहा है। इसलिए वो सबसे पहले काम यही करे, जीव हिंसा का काम बंद करो, ये सबसे बड़ा अभय दान है। खोटे पाप रूप शास्त्र पढ़ने का, खोटे पाप रूप शास्त्र पढ़ने, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, निरर्थक। कई लोगों की रस लग जाता है उपन्यास के, कहानियों के, खोटे खोटे उपन्यास खोटी कहानियां पढ़ने के, जिसमें कुछ सार नहीं। जिन शास्त्री में श्रृंगार मायाचार की अधिकता, मिथ्या श्रद्धान कराने वाले, जिन ग्रंथनी में मारण क्रिया, विष बनाने की क्रिया, मारण उच्चाटन वशीकरण मंत्र तंत्र तथा इंद्रजाल आदि अनेक कपटनी का उपदेश तथा रसनी का दग्ध करना, रसायन करना इत्यादि पाप के शास, वीर रस के शास, हिंसा प्रधान क्रिया के शास मत पढ़ो, अन्य को उपदेश मत करो। अब आजकल तो बहुत चलता है, टीवी देखते हैं लोग सब, अन्य मतावलंबियों के सारे सीरियल देखते रहते हैं और उसमें फालतू की चीज़ें देखते रहते हैं, सीखते रहते बच्चे लोग भी और बड़े लोग, कोई किस माता के तो किस देवी के तो कौन से क्या 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 भगवान के क्या, खूब चलते हैं चैनल चलते थे दिन भर, कभी शिव जी आ रहे हैं उस पर, कभी कोई कौन सी पार्वती जी आ रहे थे, कभी गणेश जी आ रहे थे, चलते रहते हैं, कभी भेड़ी माता, कभी कालका माता, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, चलता है। तो ये सब मिथ्या शास्त्र के प्ररूप चीज़ें हैं ये सब, और इससे मतलब महापाप बंद होता है, मिथ्यात्व का पोषण होता है, व्यर्थ की चीज़ें ये सब। आदमी को उलझाने के लिए संसार में बहुत चीज़ें, सुलझने की चीज़ें कम है, उलझाने की चीज़ें ज़्यादा है। सुबह से उलझाने की चीज़ चालू हो जाती है, अखबार चालू होते हैं पहले, टीवी चालू हो जाती है, मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम, कुछ ना कुछ, कभी ये तो वो तो ये तो, और नहीं हो तो लोगों से मिलन जुलन मिलन जुलन मिलन जुलन करके, और ये जीव व्यर्थ ही अपना समय ऐसा का ऐसा खो देता है। जीवन कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता। कितने उलझने के आज की तारीख में कितने साधन हैं, पहले नहीं थे, पहले के ज़माने में सबसे बड़ा साधन तो टीवी है ही सही। अपना समय खोटी समय नष्ट करना है सबसे बड़े साधन है। और फिर अब आजकल फोन हो गया, घंटों में लोग बातें करते थे बिना मतलब, थोड़ा बहुत कंप्यूटर है उस पर देखे कि नहीं देखे करेंगे, कोई क्या कोई कोई क्या क्या चीज़ें हो जाती है उस पर भी नाना तरह की, नहीं होगा तो मैसेज इधर से उधर, उधर से इधर उधर से उधर, इधर से उधर भेजते थे एक दूसरे को, अरे खुद ही ग्रहण कर लो दूसरे को बढ़ाने की जगह। क्या हम सबको दूसरों को करना है कि वो ही समझ लें, लेकिन हम स्वयं उसका अमल करें उतना भी तो हमारा जीवन परम पवित्र बने बिना न रहे। लोग मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं, कितने कितने आते हैं दिन भर में, किस किस को पढ़े आदमी बेचारे, एक जिनवाणी पढ़ने का समय नहीं मिलता, उसके बाद मैसेज भेज जाते हैं धर्म के नाम पर। जिनवाणी पढ़ा हो उसका मूल शास्त्र, रत्नग्रंथ शावकाचार, तत्वार सूत्र, मोक्षण प्रकाशक, छेड़ाला, पंचास्ती का वृद्र संग्रह, समय सार, प्रवचन सार, गोमट सार, ये आ रहे क्या उनको जो फॉरवर्ड होते हैं मैसेज में, फालतू फालतू की चीज़ आती थी, ये करो वो करो ये करो ये करो,
ये सिद्धि नहीं हो सकती। मूल आगम एक बार देख लो, छह डाला एक बार बेसिक कोर्स आदमी का सबसे पहले होना चाहिए। छह डाला, रत्नगण शौकाचार, मोक्षार प्रकाशक, तत्वार सूत्र, रद्र संग्रह, पुरुषार्थ सिद्धि पाठ, पद्म पुराण, प्रवचन सा, इतने ग्रंथ जिसके नहीं हुए और पहले ये फॉरवर्डिंग में लग जाएगा तो जिंदगी भर यही करता रहेगा। ये 10 ग्रंथ पहले अच्छे से पढ़ लो, अच्छे ठोस, तो तुम्हारे जो वचन होंगे वो आगम के अनुसार होंगे, और नहीं तो वो वाक्य होंगे ये मत करो वो मत करो, ये दो दो लाइनों के वाक्य मेरे को तो बिल्कुल पता ही पसंद नहीं होते, क्योंकि कहीं भी कहीं से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा। मूल आगम की चीज हो, आद्यो पांच व्यवस्थित ए से लेके जेड तक पढ़ो उसको ढंग से, क्या कह रहे हैं, आगे पीछे कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है, क्या प्रकरण में चल रही है, कहीं भी कोई बात उठा के उसको कह देना, प्रस्तुत कर देना, और अनेक भ्रम उत्पन्न होते हैं। जो बात जिस प्रकरण में चलती हो वहाँ फिट होती है, और यदि प्रकरण नहीं हो संदर्भ नहीं हो तो बात अप्रासंगिक लगती है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है व्यवस्थित काम करना लगे, समय काटने के साधन है सब। इसका थोड़ा बहुत सदुपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन सदुपयोग के नाम पे दुरुपयोग ज़्यादा है। सदुपयोग तो मेरे ख्याल से 1-2% भी हो जाए तो बहुत है, इतने साधन हैं आजकल आधुनिक, सब दुरुपयोग के ज़्यादा है। और कह कह का उपदेश मत करो, अभक्ष भक्षण करने का, अभक्ष भक्षण करवाने का, करने का, रात्रि भोजन करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, चोरी करने का, खोटी साख बनने का, व्यविचार कराने का, व्यवहार अधिक महाआरंभ करने का, व्यवहार के महाआरंभ करने का, जो काम जरा से हो सकता है, विवाह जैसा कार्य जरा से हो सकता है, उसके लिए महाआरंभ, 6 दिन की शादी, उन्होंने बताया ना यहाँ नहीं करेंगे कहीं कहाँ जाते। मतलब इतनी समझ में नहीं आ रही कि मनुष्य लोग कितना कीमती है, जो काम पाप का काम है उसको छोटे से समय में कर्म पूरा कर दे, उसके लिए अनेक दिन खोटी कराना बेचारे लोग हैं, उनको पाप करने में लगाना, करना हो तो कोई सिद्ध क्षेत्र की आराधना, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा हो, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा हो, वो करा, कहीं कहाँ कहाँ भोग भोग की सामग्री ले जाके नदी दिखाना, उसको तालाब दिखाना। तो ये महापाप आरंभ करवाना, रोशनी प्रज्वलित करने का, लाइट जलाने, बालू लाइट, खूब लाइट लाइट, बिजली बिजली, ये सब महापाप का काम है। दिन में बिजली चल रही, रात को तो ठीक है चलो चले से चल, लोग को बहुत अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन जीव हिंसा कितनी होती है उससे, अपन अच्छे के कारण से नहीं जीवों की हिंसा नहीं कर सकते। रात को भी जितनी आवश्यकता पड़े उतनी लाइट जलनी चाहिए, दिन के अंदर तो बात ही क्या, क्योंकि लाइट बनने में भी तो हिंसा होती है। तो रोशनी प्रज्वलित करने का, बारूद छुड़ाने का, फटाके फोड़ने का, बाग बगीचा देखने का, प्रेरणा करने, बाग बगीचा देखो घूद घुमाए कहीं से, तो इनको कह रहे हैं इनको प्रेरणा करने का उपदेश मत करो। और भी बात कही, देखो हिंसा के उपदेश का त्याग, इस देश से दूसरे देश में व्यापार बहुत है, वहाँ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान में क्या है, बाहर गाँव जाओ, वहाँ व्यापार व्यवसाय करो, और परिणामों के दुर्ध्यान के कारण ऐसा मेला को ख्याल, ऐसे मेले देखने जाए, मेले देखने जाते तो मेले ख्याल, मेले लगते कि नहीं, कोई से क्या कहे कि मेले लगते हैं सब, कोई सावन का मेला तो उसका मेला तो उसके मेले, ये सब परिणाम बिगाड़ने के कारण है, भोगों के कारण है सब। मेला ख्याल कौतुक व्यभिचार आदि कर्म, मनुष्य त्रियंचनी की राड़ी कला आदि देखने का उपदेश मत करो, आपस में लड़ाई हो जाए किसी की तो देखने जाए क्या हो रहा किसका हो रहा, ऐसा मत करो। करें तथा युद्धादि करने का, क्या युद्ध करने का, गाली देने का, पर की आजीविका बिगाड़ देने का, दूसरे की आजीविका ही खत्म हो जाए ऐसा काम, इसको ठीक कर दे, पर की आजीविका बिगाड़ देने का उपदेश मत करो। तथा खोटे गीत गान नृत्य वादित्र कला विसंवाद श्रवण करने का, सुनने का उपदेश मत करो, खुद भी मत करो और किसी को उपदेश भी मत करो। तथा इस देश में दास बहुत सुलभ है, दासी दास सुलभ है, वहाँ बहुत दास दासी बहुत है, वहाँ बहुत गरीबी है,
तो अमुक इनको अमुक देश में ले जा के बेचें, इनको ले जा के बेचें तो बहुत लाभ हो जाए, ऐसा उपदेश क्लेश वाणिज्य है। तिर्यक क्लेश वाणिज्य ये मूल में तिर्यक क्लेश वाणिज्य क्लेश वाणिज्य तिर्यंच को क्लेश हो। अच्छा क्लेश वाणिज्य माने जिसमें अन्य जीवों को क्लेश पहुंचे, इधर से उधर ले जाएंगे तो क्लेश पहुंचेगा ना, ऐसे व्यापार का उद्देश्य है। गाय भैंस अश्वाधिक अमुक देश से ग्रहण करी अन्य देश में बेचे तो बहुत धन का लाभ हो जाए, यहाँ से गाय बैल बेच के कहीं और ले जाओ, तो तिर्यक वाणिज्य तिर्यंचों का व्यापार, क्लेश वाणिज्य और तिर्यंच वाणिज्य। और फिर चीड़ी मार शिकारी को ऐसे कहे जो अमुक देश में मृग सुकर पक्षी इत्यादि जीव बहुत है, ऐसा कहना तुम्हें चाहिए ना, ढूंढ रहा हो ना पक्षियों को, पक्षी तुमको वहाँ बहुत मिलेगी क्या, तो ऐसा उपदेश दे तो वधक उपदेश है, मैंने वध करने का उपदेश है वो। तथा खेती करने वाले को पृथ्वी के आरंभ का जल अग्नि पवन वनस्पति छेदन आदि का उपदेश देना सो आरंभ उपदेश है, किसी को भी आरंभ करने का उपदेश है ना, पृथ्वी खोदने का, खेती करने का, जल अग्नि ढोलने, जल अग्नि पवन वनस्पति छेदन आदि का उपदेश आरंभ उपदेश, ये समस्त पापोपदेश है और ये सब पापोपदेश त्यागने योग्य है। और आगे सुनो देखो तथा हुक्का, हुक्का पहले लोग पीते थे, हुक्का आजकल तो क्या बड़ी बड़ी चीज आ गई इसकी, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो हुक्का है, जर्दा है, तंबाकू, भांग, अमल, अमल होती कोई चीज होती है अमल, छोत्रादिक पीने का, फूकने का, सिगरेट बीड़ी सिगरेट सभी लगते, सूंघने का, खाने का उद्देश्य महापाप का कारण है, इसका उद्देश्य है ना खुद करना तो महापाप का कारण है। किसी ने मेरे को बताया कि आजकल तो दुकानें चालू हुई इस चीज की, कुछ जो भी एक है मैंने महापाप के कारण ही है, सो ऐसा उपदेश मत करो। चाहते हुक्का जर्दा तो उत्तम कुल के योगी नहीं, हुक्का जर्दा पिए जर्दा खाए उसको क्या धर्म का उपदेश दो, अपने जर्दा खाने वाले व्यक्ति के मुंह गंदा बदबू आए दुर्गंध आए, या बैठा भी हो तो उसके मुंह पता ही नहीं कि झूठा है कि सच्चा, झूठा है कि कुल्ला करके आया कैसा, उसके धर्म के उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ है। देखो यहाँ अपने यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं शायद ही कोई भी ऐसा होगा जिसको इस तरह की आदतें होगी, जिनकी आदतें होती है वो बैठ नहीं सकते, एक घंटे नहीं बैठ सकते, दस बार तो मुंह थूकने को चाहिए, यहाँ कहाँ थूके हो। इतनी तकलीफ हो जाती है थूकने की कि उनके लिए लोगों को भगवान के फोटो लगाना पड़ता है, कहीं भी थूक देते हैं इसलिए भगवान लगाते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं मुंह में, परेशान हो जाते हैं कहाँ जाए थूकने के लिए, ऐसी स्थिति, ये सब आदतें खोटी है, नहीं पड़े तो बहुत अच्छे आनंद में अपन, एक बार लग जाती है खोटी संगति से तो मिटना बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका गुलाम हो जाता है और जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है। हमारे पड़ोस में एक मित्र रहता है, उसकी खास कोई आदत है, उसके सब होठ वोट सब बिगड़ रहे, दांत बिगड़ गए, दांत खत्म हो गए, होठ बिगड़ गए, सब बिगड़ गए, पूरा एकदम ऐसी दुर्दशा हो गई, लेकिन क्या करे वो आदत छोड़ने को समर्थ नहीं, तंबाकू की आदत है, जल्दी की आदत, 24 घंटे हुए मुझे रात को सोते सोते भी, तो महा मुंह ऐसा है जैसे कोई कि ऐसा लगता है कि नगर निगम का कोई बिल्कुल वो, बल्कि वो भी थोड़ा अच्छा रहता है उससे गंदा मुंह है। तो उत्तम कुल के योग्य नहीं, इनसे तो जाति कुल सब भ्रष्ट हो जाए, धुएं का और जल के संयोग पे बहुत जीव हुक्का के जल में उपजे, धुआं और जल होता है, धुआं और पानी दोनों मिलते हैं, तो बहुत जीव बहुत दिनों का पड़ा रहता है वो हुक्का, उससे बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, और जल महा दुर्गंध हो जाए, जहाँ पड़े छे काय के जीवनी की विराद नहीं करे, जहाँ जल पड़ता है तो जीवों की विराद नहीं करता है, जीव बहुत उस जल में बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे ये जो पान वालों का रहता है ना पानी कई दिनों का रहता है उसमें बहुत जीव उत्पत्ति होती है, और जो चूने का पानी रहता है, चूने का पानी चलता है ना चूना, क्योंकि वो पानी को बदलते तो ही नहीं,
नया चूना आया, फिर वो नया चूना आया, फिर वही बर्तन वही का वही, उनका वो बर्तन कभी साल भर में धुलता है कि धुलता है पता नहीं। गुलाब कतरी, गुलूकंद, इनमें बहुत जीव उत्पत्ति होती है। मेरे को तो पान वालों ने बताया, एक पान वाले हैं वही जिनकी बहुत प्रसिद्ध दुकान है इंदौर में, वो रोज़ मेरे साथ पूजा करते हैं। उनकी पत्नी है, वो इतना अच्छा पढ़ना नहीं पढ़ता, तो मेरे से बोलते थे स्वाध्याय सुनाओ। तो मैंने एक दिन ऐसी हिंसा हिंसा की बात की, तो उन्होंने सब बात बताई मेरे को कि मैं गुलाब पत्री साफ करते हूँ तो इतने जीव निकलते हैं, गुलूकंद करते तो इतने निकलते हैं, मैंने तो एक दिन देख बंद कर दिया। तो मेरे को उसने बताया, तो मेरे को और जानकारी लगी कि उसमें कितनी हिंसा है। तो मैंने उसको कहा बंद कर दो, ये काम हिंसा है, बंद कैसे कर दें हम, इससे ही तो आमदनी हो रही है, कम कर दो। तो फिर उसने बताया कि गुलूकंद का काम तो उन्होंने फिर भी बंद कर दिया इतनी हिंसा देख के, तो पान का काम चल रहा है। मतलब बीच में गुलूकंद का ही धंधा चालू कर दिया था गुलूकंद बेचने का, गुलाब कतरी बेचने का ही काम चालू कर। जब वो लाए उसमें जब जीव देखे छटपटाते हुए बिलबिलाते हुए, तब एकदम दिमाग लगा के अरे ये क्या कर रहे हैं, पान बेचना तो खेरा उनसे छूटने वाला है नहीं, क्योंकि उनके जो भी है वो तो उसके लिए उनके परिवार वाले लोगों को उनको थोड़ी समझ में आनी चाहिए, धन का थोड़ा मोह कम हो। इनके जब गरीब थे चलो सब नहीं थे जब धन, तब अपन ने कोई पाप का काम चालू भी किया, लेकिन अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बन गया। परंतु ये बहुत मुश्किल है संसार में, धन जिससे आता हो, एक बार धन पाप के कार्य से आना चालू हो जाए तो वो पाप का कार्य जिंदगी भर बंद नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि धन कभी भी खोटे काम से नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो खोटा काम कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि धन ऐसा है कि किस धन छूटना बहुत मुश्किल है। आता हुआ धन किसको प्रिय नहीं लगता, हर एक को प्रिय लगता, आने तो आ तो रहा है, अपना करना क्या, दुकान में बैठना है, पत्ता ले पत्ते देने और क्या करना है, आदत पड़ी हुई है, तो उनको कुछ लगता भी नहीं कि इसमें कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि जेलियों के लायक काम ही नहीं है सब। तर पान की दुकान, हलवाई की दुकान, क्या ये सब काम जेलियों की योग्य नहीं है? और भी जिन चीज़ों में बहुत जिन हिंसा होती हो, जहर बेचना हो, ये सब। हाँ पान का पत्ता यूँ ही अभक्ष है, और उसमें जो चीज़ें डलती हो त्रस जीव। पान तो चलो साधारण वनस्पति एक निगोदिया जीव है, लेकिन उसमें जो और जो चीज़ें भी डल रही है वो भी सब अभक्ष है, महा त्रस जीवों के त्रस जीवों के घात का कारण। पान माने पूरा जीवों का पिंड, समझ क्योंकि वो बिल्कुल कतई भी भक्षणीय है, उसके अंदर हर चीज जो डलती है, चूना कत्था गुलाब कतरी मीठा जो चीज, एक इलायची इलायची वो भी इलायची भी पूरी आंखें की आंखें डलती है, उसको भी निकाल के कहाँ डालते हैं क्या, तो एक वही ऐसी है। तो अपने को ज्ञान देता हो कि क्या है, कितनी हिंसा है उसकी, सुपारियाँ कई दिनों भक्ष वक्ष कुछ नहीं, इलायची जरूर फोड़ के खाओ देख के, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग से इलायची है सोप है इनमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो पान में अनेक सामग्री ऐसी है जो कि हिंसात्मक। और देखो और सुनो लोग, तो चूना ईट पकाने का उपदेश मत करो, भट्टा भट्टे लगाने का काम। अच्छा और भी बताओ, मैं जैनियों के अयोग्य कार्य, धोबी का काम, नाई बन जाने का काम, महिला ब्यूटी पार्लर खोल ले, तो ब्यूटी पार्लर का काम ब्यूटी पार्लर, लेकिन ये तो नौवे के काम, तो जैनी लोग नौवे का काम नहीं करते, धोबी का भी काम नहीं करते, वॉशिंग ड्राई क्लीनिंग लेकिन कर क्या रहे, कपड़े साफ यूँ क्यों नहीं कहते, सीधे सीधे धोबी का काम चालू किया है धोबी के, क्योंकि उसमें भी जीव हिंसा बहुत है, कपड़े वगैरह धोने में, कपड़े धोने में और जो है बाल बाल काटने में सब योग्य नहीं। जेनी तो उत्कृष्ट काम करते हैं, अच्छे उत्तम दिमाग से कमाते, मतलब दिमाग से आजीविका करते हैं, ऐसे हल्के फुल्के काम जेनियों की योग्य नहीं। कभी देखा क्या आपने जेनियों को, चलो अब क्या करें, ठेले ठेले, इस तरह के काम जेनियों करते, ठेला चलाना करना, मतलब ठेला चलाना, मतलब हिंसा इतनी नहीं है फिर भी, लेकिन ये काम तो महा हिंसा के है,
ये बाल बनाने के और कपड़े धोने के, जिनके नाम लोगों ने अच्छे अच्छे रख दिए, और नाम अच्छे रखने से वो जाकर ना ब्यूटी पार्लर खोल के बाल काटने लग जाती है। और देखो और क्या क्या है, बहुरी बहुत पाप के बनिज का उपदेश मत करो, बहुत पाप जिसमें होता हो ऐसा अपाप का उपदेश मत करो, गाय भैंस बलद ऊंट गाड़ा गाड़ी में का रखने का उपदेश मत करो, क्या गाय भैंस वगैरह रखना। एक जना व्यक्ति था मेरे को मिला, बोला हमको दूध चाहिए था सोत का, तो इसलिए हमने गाय भैंस ही रख ली। कैसी बात है, दूध के लिए गाय भैंस रखी, बोला गाय भैंस रखने में कितनी हिंसा होगी, उसे गोबर सुबह सुबह उठ के साफ करता है, भगवान की पूजा छोड़ दी और एक दूध के एक गिलास दूध के लिए गोबर साफ करने लग गए। बुद्धि जो काम चले उन काम आदमी लोगे, गाय भैंस बलद, बलद माने बेल ऊंट गाड़ा गाड़ीनी का रखने का उपदेश मत करो। कोई दातार मनुष्य तिरंजनी को भोजन वस्त्र धनाधिक देता हो ताकि अंतराय मत करो, कोई यदि यदि किसी को खाने पीने की दे रहा है भोजन वस्त्र दे रहा हो तो स्वयं मतलब उसको देते हुए को अंतराय मत करो, आप नहीं दे सकता कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा देता हो तो उसको अंतराय मत करो। कुपात्र दान का उपदेश मत करो, खोटे पात्र के दान मत का उपदेश मत करो, देने में विघ्न मत करो, दे रहा हो तो अपने अपने क्या, अपने तो कोई उपदेश दिया नहीं उसको यदि कर रहा है। व्रत भंग करने का उपदेश मत करो किसी को, तू व्रत भंग क्या है तेरे, ये सब व्रत बेकार है क्या, इस प्रकार से व्रत भंग का उपदेश न दे। स्वयं से नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी को उपदेश नहीं दिया जा सकता व्रत भंग करने। बहुत का कहिए अपने धर्म अर्थ कामना कुछ सिद्ध नहीं हुए, केवल आपके पाप ही का बंद हो, ऐसा पाप उपदेश मत करो, मैंने अपने धर्म की कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो या कोई धन मिलता हो, किसी प्रयोजन की कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो और ऐसे जो है केवल पाप के बंद हो, ऐसे पाप का उपदेश मत करो। वो फिर हिंसा के उपकरण है, छुरी खड़ग भाला बंदूक कटारी ये सब आयु देना योग्य नहीं, इनसे हिंसा बहुत हो, ऐसे उपकरण किसी को मत दो, मांगे मत दो, भाड़े मत दो, क्या भाड़े से मत दो, भाड़े से देने लायक नहीं, प्रीति करो किराए से, किराए की दुकान खोल ले तो चक्कू छुरे भाले लस्सी इनकी, तो ये जीव जो कि जीव हिंसा के काम आए तो ऐसी चीजें मत दो, और मोल कर ही मत दो, मतलब खरीद के मत दो, जिनके देने में किंचित लाभ होए तो माँ बाप के कारण जानी देना योग्य नहीं, जिनको हस्त में लेते ही दुष्ट परिणाम हो जाए, हाथ में लेते ही खोटे परिणाम हो जाए, पाप घाती का विचार रहे, ऐसे खड़ग छुरी भाला बाण धनुष बंदूक कटारी इत्यादि आयु देना योग्य नहीं। और देखो आगे क्या, बहुरी भूमि खोदने के कारण जिन करी गलीनी में रोड़ानी में खेतनी में बड़े बड़े जीव सर्प बिच्छू गिंडोला लट कीड़ा मूसा इत्यादि जीव कट जाए छित जाए, कोटनी जीवनी की हिंसा हो जाए, ऐसा फावड़ा कुदाल कुश खुरपा हल मुदगर हथौड़ा किसी को मत दो, मतलब हल होता है ना हल, हल से क्या होता है, इन सब जीव की हिंसा होती, खेती करने में बड़े बड़े बिच्छू गिंडोले लट कीड़े मूसे ये सब जीव मर जाते हैं, हल चलता है ना जब जब वो ट्रक चलता है हल खोदता जाता है, जो भी जमीन के अंदर बेचारे जीव छुपे रहते हैं सबको मारता हो जाता है, बहुत हिंसा है खेती में, इसलिए। और ये चीजें भी दे रहे कोई किसी को हल वल हल मूसल आदि, तो इनसे महा मतलब इनसे अनेक जीवों की हिंसा होती है, तो ऐसा किसी को मत दो, मांगे तो भी मत दो, अनेक त्रस्त स्थावर जीवनी को अनेक त्रस्त स्थावरणी को चीरने वाला मारने वाला फरसी कुलाड़ी कुलाड़ा बसोला करो दातला दतीला किसी को मत दो, सीधी सी बात है हिंसक जिससे कोई भी जीव की हिंसा हो ऐसा उपकरण किसी को मत दो, लाठी चाबू घोड़ा तिरंज मनुष्य के मारने के कारण लाठी घोटा चाबू चामड़ा लोड़ा किसी को मत दो, और अग्नि विष बेड़ी साकल पिंजरा जाल जीव पकड़ने का यंत्र किसी को मत दो, मार्जर कुकरा इत्यादि हिंसक जीवनी को अपना करी मत पालो, ये सब आ गया दो हिंसक जीव को मत पालो, सुआ सुआ मतलब तोता तीतर
बुलबुल, कुकड़ा, मैना, कबूतर, बाज इत्यादि पक्षिनी को पिंजरा में रखना, पालना मत करो। किसी भी जीव को पालना, तिरंज को पालना कभी मत करो। किसी भी तिरंज को कभी भी, जहरी आदमी तो कभी किसी तिरंज को पालते ही नहीं, कोई भी हो, तोता, मैना, कबूतर, कोई भी। और ये कहते हैं बहुत पाप के उपकरण घर में मत रखो, कितने पाप के उपकरण है उनको घर में मत रखो। घर में रखे देखते हो हिंसा के उपकरण, परिणाम ही बिगाड़े। बंदूक क्या पड़े पता, बंदूक को देखोगे तो क्या होगा, परिणाम बिगाड़े। रोज देखते रहोगे तो सोचोगे ऐसे क्या करें तो क्या होगा, इसे जो देखोगे तो वैसे परिणाम उत्पन्न होंगे ना, इसलिए ऐसे उपकरण घर में रखने से क्या सिद्धि है। तथा निंद वनिज हूँ, देखो अब कहें कौन कौन से व्यापार अपने को नहीं करना चाहिए, सबकी लिस्ट दे रहे हैं। निंद वनिज, खोटे काम, खोटे व्यापार, जो महापाप के कारण जिनमें किंचित लाभ होए तो पाप से भयभीत होए त्याग त्याग करो। क्या कहा, ऐसे खोटे व्यापार जो महापाप के कारण है, जिनमें किंचित लाभ भी होए, जिनमें पैसे का लाभ भी हो तो भी वो महापाप के कारण होने से पाप से भयभीत होकर उनका क्या करो, त्याग करो। कौन कौन से ऐसे देखो, लोहा, लोहे का व्यापार बन गया लोहा, और नील, मैन, मैन किसे कहते हैं, मैन, हाँ गोंद, गोंद गोंद जैसी चीजें, लवण, नमक, लकड़ी, साजी, सन, साबुन, लाख, चमड़ा, ऊन, केश, कंसुबा, गुड़, खांड, अन्न, चावल, सिंघाड़ा, शस्त्र, दारू, गोला, सीसा, आयुध, लहसुन, कांदा आदि, जमीकंद तथा घृत, तेल, आम, नींबू इत्यादि वनस्पति का है, मतलब ये सारी किराने की सामग्री आ गई। किराने का व्यवसाय जैन के लिए मना किया, अरे खुद की देखो कौन क्या कर रहा है, उससे अपने प्रयोजन नहीं है। और दूसरे भी इससे भी कोई भी खोटे खोटे काम है कम से कम वो नहीं करे, जब इसको ही मना कर रहे हैं तो वो दूसरे खोटे काम की तो क्या बात है। वैसे भी किराने के अंदर सामग्री में क्या जीवोत्पत्ति बहुत होती है, गुड़ में, खांड, शक्कर में, अभी साबुन है तो साबुन तो क्या है, एसिड से बनता है साबुन, जहाँ जितने पानी में जाता है उतने जीवों की हिंसा करता है। साबुन तो हाथ लगाने योग्य नहीं है, साबुन का व्यापार तो बहुत दूर की बात है। और चमड़े, कई बार तो कई जीवों की चर्बी तक उसमें यूज होती है, उपयोग में आती है, कितने साबुन तो तिरंज जीवों की चर्बी से बनते हैं। मैक्सिमम चर्बी से बनते, तो इसलिए ऐसे साबुन का व्यापार व्यवसाय करना। यूं तो अपन घर में तो एकदम पानी की एक बूंद भी अंचनी होनी चाहिए, और बाहर जो है ऐसे साबुन बेच रहे, ऐसे ऐसे परफ्यूम, ऐसे ऐसी सुगंधित सामग्री, सारी प्रसाधन की सामग्री वो सब बेच रहे, जिनमें सुअर के मांस है तो कुत्ते के, सुअर के ना, काय काय के होते, गाय के मांस, इन सब मांसों से बनी हुई, मैंने जीवों की हिंसा से बनी हुई जो प्रसाधन सामग्री है उसको बेचने में महापाप बंद है। और इतना क्या तीव्र राग कि हमें वो बेचनी, हम वही बेचें, मन बेचो उसे क्या, दो दो रुपए कम में जिसको संतोष रखने की आदत है उससे सब पल सकते हैं। इसलिए व्रती होने के पहले सबसे पहले उसको परिग्रह की परिमाण हो, मैंने अल्प परिग्रह में उसको संतोष हो, क्योंकि तो जिसको संतोष नहीं होगा, जितना है धन, जितने में उसकी आजीविका चलती है उतने से यदि संतोष नहीं होगा तो वो कोई ना कोई पाप का आरंभ किए बिना नहीं रहेगा, पर यदि उसे संतोष होगा तो कभी भी किसी भी रूप में इस प्रकार के पाप का आरंभ नहीं करे, चाहे प्राण भी चले जाने का, संतोष है ना उसका जीवन। ये सब काम क्यों करता आदमी पाप के, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को कोई भोजन की कमी पड़ रही है या कपड़े नहीं है या मकान नहीं है, सब है, लेकिन फिर भी ये परिग्रह से क्या होता है, परिग्रह से तृप्ति नहीं होती, और जोड़े आते हैं, तो उसके लिए फिर आदमी
जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है उसको देखता, वो ये नहीं देखता कि हिंसा किसमें ज़्यादा होती, उसका लक्ष्य बदल जाता है। इसलिए सब मना किया है तो नमक वमक सब बेचने का, घी तेल आम सब सारी चीज़ें, भांग तंबाकू जर्दा तिल खल काकड़ा पिंजरा फांसी गांजा चरस दासी दास घोड़ा ऊट बलद भेसा गाड़ा गाड़ी ईट, इनके बेचने में खरीदने में संचय में महा हिंसा होए या तो त्याग करो। क्या कह रहे नहीं, कपड़े का धंधा करो, कपड़े का काम मना किया है, कपड़े का सोने चांदी का ईमानदारी से, सोना चांदी में तो बहुत, सोने चांदी में वहाँ पाप भी हो सकता है और सोने चांदी को न्याय नीति से भी किया जा सकता है। और भी है बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री है जैसे कुछ सेवाएं देना, ठीक दिमाग का कोई काम हो क्या, मतलब ऐसा नहीं है जैसे शिक्षा के काम है, पढ़ाई लिखाई के काम है, किसी को गणित पढ़ा देना, किसी को कोई और हिंदी पढ़ा देना, अंग्रेजी पढ़ा दी, अंग्रेजी हिंदी पढ़ा दी, गणित पढ़ा दी, और भी जो कुछ विषय है जिससे कि वो थोड़ी शिक्षा हासिल कर सके, कोई दिक्कत नहीं। या किसी कोई सेवा हो गई, मतलब जिसके अंदर वो पाप का काम नहीं है, खासकर जो लिखाई पढ़ाई का काम होता है उसमें हिंसा कम है, बुद्धि का उपयोग, और जिसमें लिखाई पढ़ाई नहीं और हमाल जैसे काम है उसमें हिंसा ज़्यादा होती है। शारीरिक काम के अंदर हिंसा ज़्यादा है, मानसिक काम में हिंसा कम। और देखो और क्या करो, समस्त का त्याग नहीं बन सके यदि चलो, अभी तुम्हारा धंधा यही हो तो क्या करें, कि साहब ये सब छोड़ देंगे तो कल से सड़क पे आ जाएंगे, तो उससे कह रहे हैं कि ठीक है समस्त का त्याग नहीं बन सके तो या मैं महापाप जानी, पहले तो ये जानो कि इसमें बहुत पाप है, और महापाप जानकर अन्नाधिक में अल्प संग्रह, अन्न में कम संग्रह करो, ज़्यादा संग्रह करोगे तो जीवित साहब, अल्प प्रमाण राखी कम का प्रमाण रखो, थोड़े का प्रमाण रखो, थोड़े ही रखो, और अन्य वस्तु अन्य समस्त का तो त्याग करो, थोड़े में करो, फिर यदि समझ नहीं छूट सकता है थोड़ी चीज़ों का संग्रह करो, अपने घर गृहस्थी में भी अपने को हर चीज़ थोड़ी थोड़ी का संग्रह करना चाहिए। साल भर का स्टॉक कर लिया, धंधूरी पड़ रहे हैं जो घर में फैल रहे हैं उनका संभालते रहो, थोड़ी थोड़ी सामग्री जितने से अपना काम चलते जाए। इसलिए गृहस्थी को वहीं रहने का उपदेश दिया जहाँ उसके आसपास सारी सामग्री मतलब उसको आसानी से मिल सके, क्योंकि यदि आसानी से सामग्री मिलेगी तो उसको अधिक संग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अधिक संग्रह नहीं करेगा जीवोत्पत्ति भी नहीं होगी, जीवोत्पत्ति नहीं होगी तो हिंसा नहीं होगी, दूसरी बात स्वयं भी उसका समय बचेगा, क्योंकि जो जीवोत्पत्ति चालू होगी तो उसको कहाँ तक उसको देखेगा, उसमें समय जाएगा। सर देखो आखिरी पढ़ लेता हूँ मैं, ये अपना समय हो गया ऐसे। बौरी केतिक खोटी आजीविका माँ पाप बंद करी दुर्गति ले जाए ते परिहार करो, यथा कोटवाली करने का, कोटवाल होते ना, कोटवाल बन जाते पुलिस, पुलिस का काम कोटवाल का, यादा पने का, वन कटी कराने का, माली माली वाली का काम, गाड़ा गाड़ी ऊंट बलद भाड़े लेने की, ऊंट बलद गाड़ा गाड़ी भाड़े कराओ दलाली की, दलाल यो नहीं देखे कि यहाँ का कांदा गल गया है, पहले के जमाने में मतलब इसका मतलब आजकल लोग जैसे गाड़ियों की वो होती ना, माने गाड़ी भाड़े से लेते हैं, पहले तिरंचों को भाड़े पे दिया जाता होगा, उसमें भी दलाली लोग करते थे, माने दलाल लोग पहले भी थे इसका, पहले तिरंचों की दलाली होती थी, आजकल गाड़ियों की दलाली होने लगती, गाड़ी के भी दलाल होते हैं उसमें कमाते हैं, तो दलाल यो नहीं देखे कि यहाँ का कंधा गल गया है, नासिका गल गई है, कि पीठ गल गई है, कि पग दुखे है, कि यहाँ का अंग में कीड़ा पड़ रहा है, कि वृद्ध की रोगी है, ऐसा विचार भाड़ा की दलाली वाली के नहीं रहे। दलाल कभी भी ये नहीं देखता कि किसको दुख रहा है जी, उसका तो एक ही लक्ष्य रहता है, ये बेकार काम है सबसे, मान इसमें झूठ सच बहुत होता, वहाँ झूठ सच सामने ले, इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको क्या बोले। दूसरी बात कि वो किसी की परवाह नहीं करता,
उसको किसी गरीब से गरीब आदमी से भी पैसा चूसने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, वो तो अपने धन को देखेगा। और कोई कुछ प्रोडक्टिविटी क्या की उसने, कुछ नहीं किया, जबरदस्ती डाला कुछ कुछ बना कुछ कर, कोई प्रोडक्शन करे तो बाद में समझ में ऐसा विचार भाड़ा की दलाली वाली के नहीं है। चातुर्मास में बहुत बोझ लदाए गए, भाड़ा की आजीविका और भाड़ा की दलाली दो महापाप है। भाड़ा माने जानवरों के लेने देने के अंदर उसमें दलाली करें और जानवरों को लेने देने का काम करें और लोभ के वश होए। और सुनो देखो, ये शादी ब्याह कराने की दलाली करना ये भी इसका ही मना कर रहे हैं। कई लोग होते ना विवाह की दलाल, सब चीज़ों के दलाल है देश, तो लोग के वश होए वृद्ध पुरुष का ब्याह सगाई मत कराओ, तुमको दे देंगे जो चाहिए होगी, मेरी सगाई करा दो, मेरी शादी करा दो, क्योंकि 40 साल का आदमी कौन करे, पैसा खूब कमाया 40 साल 20 साल तो वो कहे कि जो धन देना चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ। तो क्या ऐसे काम मत करो भैया, वृद्ध पुरुष का ब्याह सगाई मत कराओ, राज का हासिल मत चुराओ, राज का हासिल माने टैक्स मत चुराओ, तथा अन्य अपराधी की चुगली खाने की, झूठी साख बढ़ने की, गवाही हो जाने की, वैद्य बना की आजीविका मत करो, डॉक्टर की भी आजीविका मना कर ले, क्योंकि डॉक्टर में कीड़ों को एंटीबैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारना पड़ता है और काम ही क्या है, इस कीड़े से तकलीफ हो रही है इस कीड़े को मारो, इस कीड़े को खत्म करो, मना किया है। वैद्य बना की आजीविका मत करो, और कुछ नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन यदि और कुछ कर सकते हो तो कर लो। डॉक्टरी का काम पहले डॉक्टर बनते ही चलो जेनियो, धीरे धीरे काटने वाटने काम है सब काम, जंत्र मंत्र भूत भूतनी डाकनी के इलाज करने की, ये एक नई बीमारी है। क्या कितने लग गई हाथ देखने का मन, इसका लिखा है इसमें, ये आजीविका कोई अच्छी आजीविका नहीं है क्या, ज्योतिष शादी की बेवकूफ बनाने की आजीविका। हाँ, कैसे लोगों को मूर्ख बनाना, क्या सबसे पहले अपना स्वयं का भविष्य देखें। तो जंत्र मंत्र भूत भूतनी डाकिनी के इलाज करने को, रसायन आदि धूर्तताएं ने दिखाए, ठग लेने की आजीविका मत करो, सब ठगी की आजीविका मंत्र तंत्र की, क्योंकि 10 को मंत्र दो एक का तो भला होना ही है, वो अपना अच्छा पक्का परमानेंट ग्राहक बन जाएगा, 9 का जो हो सो तो क्या क्या 10 जने पूछना है, 2 जने पूछना है मेरे क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, तो भाई हर एक को बोल दो तेरे भी लड़का होगा, तेरे भी लड़का होगा, 3 जने आए तो उसने एक के तो लड़का हो ही जाएगा, जिसका हुआ वो दास, कितने रुपये चाहिए ले लो। ये आजीविका लेकिन खोटी आजीविका है, ऐसे मूर्ख बना। देखो धन कमाने के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वेश्या भी धन कमा लेती है, चोर ठग भी कमा लेते हैं, डाकू भी कमा लेते हैं, लेकिन सवाल तो है कि जीवन में कम से कम पाप करके भी अपना जीवन चला लेना और अपने मोक्ष मार्ग की साधना निरंतर करना और आजीविका भी इस तरह से करना जिसमें कम से कम पाप बंधे, पाप तो बंधेगा लेकिन कम से कम पाप हो तो योग्य है, और नहीं तो उसको ही उसमें महापाप बंद करे तो योग्य। आगे देखो उसको, यह दुर्गति को ले जाने वाली है, तथा कार्ड बेचने वाला, मदिरा करने वाला, कार्ड बेचने वाला लकड़ी बेचने वाले, शराब करने वाला, कलाल, कसाई, धोबी, चमार, ईट चूना पकाने वाला, नीलगढ़, जुआरी, घसिया, घास खोदने वाला, इनको ब्याज पर धन मत दो, जुआरी को पैसा मत दो, कभी पैसा समझ लो गया, चोर को भरे जंगल के अंदर अपना धन इसलिए देना कि भैया तू सुरक्षित रखना मेरे पैसे को, किसको चोर को जंगल में धन देना, ठीक उसी प्रकार किसी जुआ करने वाले को धन देना, ऐसे मतलब उसको अपन धन की सुरक्षा चाह रहे हैं उसको देके, मतलब कि वो तो समाप्त होता है। सबको मना किया है यहाँ पे, कार्ड लकड़ी बेचने मदिरा बनाने वाला जो पैसा लगाते हैं ना, धन लगाते हैं कंपनियों में, जो कंपनी शराब बेचती है, मांस बेचती है, तंबाकू बेचती है, ITC, क्योंकि ITC क्या है, इंडियन टोबैको कंपनी, टोबैको तो वो होता है तंबाकू, हाँ तंबाकू बनाते हैं, तंबाकू की बनाना तुम उसको पैसा दे रहे हो, वो तंबाकू बना के लोगों को सिगरेट पिला रही है, तो तुम बड़े आनंद में चलो, इसका स्टॉक बढ़ गया, मतलब सिगरेट ज़्यादा बिकी,
घास खोदने वाला इनको ब्याज, और मांस भक्षणी को, वेश्यानी को, निंद पाप की आजीविका करने वाले को ब्याज पर रुपया मत दो, अपना मकान भाड़े मत दो। अपना मकान और अपनी जमीन और अपना गोडाउन होता है ना, कई लोग गोडाउन देते किराए पर, वो गोडाउन में क्या रखते हैं, वो पेस्टिसाइड माने कीड़ों को मारने वाली दवाई, अथवा ऐसी कीड़ों को मारने वाली चीज़ें हैं, केमिकल है, ऐसी चीज़ें रखते हैं, पैसा खूब मिलता है उसमें। क्या पाप के काम है सब, क्योंकि और कोई नहीं देता, कई लोग देते नहीं, मांस रखने वाले आदमी को दे दो आप कमरा किराए पे, खूब पैसा मिल जाएगा, शराब रखने वाले को दे दो उसको पैसा ज़्यादा मिलता, लेकिन ये सब पाप बंद के काम। तो कह रहे हैं इनको मत करो, मैंने अपने जीवन में थोड़े से धन के लालच में माँ बाप के काम, बाकी चर्चा और पढ़ के आना कल इसको, अपने अगले चार शिक्षा रख लेंगे और कल समय पर आ जाए।